काश बाकी बच्चों की तरह मेरी भी मामा होती। मैं क्या आपको मामा कह के बुला सकता हूँ? एक एक करके तुम खुद सब कुछ मेरे हाथ पे रखते जाओगे बोल। हर एक दिन आएगा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं, बहुत नाजुक से एहसास होते हैं उनके, जो एक बार टूट कर बिखर जाए तो समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया मेरी शादी का? नहीं करनी भी जान मुझे शादी, अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं और अपने अपने मतलब से अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं। मगर आली, देखें बीजान, सच बात तो यह है कि अब मुझमें धोखा खाने की हिम्मत नहीं है। किसी पे भरोसा नहीं कर सकता मैं, किसी पे भी नहीं। मैं तो बस ये चाहता हूं कि इसका घर बस जाए। जब आप में धोखा खाने की हिम्मत नहीं है और आप भरोसा नहीं कर सकते तो फिर मैं कैसे कर सकती हूँ गुड़िया? लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आप ही से सीखी हूँ मैं। अगर आप शादी नहीं करेंगे तो फिर मैं भी शादी नहीं करूंगी, हरगिज़ नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। गुड़िया बीजन, आप समझाएं ना इसे। मैं उसे क्या समझाऊं? इतना सब जो तुमने इसके जहन में भर दिया है उसे कोई नहीं निकाल सकता। मैंने बातें डाल दी, सुनो जमीला, ये चूल्हा साफ किया है तुमने? इसको कहते हैं चूल्हा साफ करना? और वो कैबिनेट कौन साफ करेगा? मैं करूंगी। हैं, जाके कैबिनेट साफ करो सारा। जमीला, मेरा नाश्ता बना कर लाओ। सुनो, तुम गुल के साथ ही जाग जाया करो। ये जो तुम दो दो दफा के चक्कर चलाती हो ना नाश्ते के लिए, अब वो चूल्हा साफ करे या तुम्हारा नाश्ता बनाए। तो क्या मैं भूखी रहूंगी? सजा तो तुम्हारी यही होनी चाहिए। तुम 5 मिनट में मेरा नाश्ता बना के मेरे कमरे में लाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें नाश्ता बनाने की, जाओ आज जाके चूल्हा साफ करो, जाओ। बड़ी आ गई, नाश्ता बना दो, खुद बनाए नाश्ता। दफाओ। बहुत चाहने लगा हूं मेरी जान तुझे, के अब आजमा रही है मोहब्बत मुझे। मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए गुल, मुझे तुम चाहिए। ये मोहब्बत भी कम बखत जान लेगी मेरी, मंजूर है? जमीला, मैं इतनी देर से नाश्ते का इंतजार कर रही हूँ, मेरा नाश्ता क्यों नहीं बना? जी वो बेगम साहबा ने मना किया, नाश्ता नहीं बनेगा। मना किया? क्या मतलब, कैसे नहीं बनेगा? ये क्या किया तुमने? अगर 5 मिनट में मेरे कमरे में मेरा नाश्ता नहीं पहुंचा ना, तो देखिएगा इस घर का क्या हाल करती हूँ मैं। जाओ इसे नाश्ता बना कर दे दो, वरना सारे घर को नहला देगी, खा ले मर ले। चलती तो है नहीं इनकी, बिला फजूल में मुझ पे रोब झाड़ती रहती है। ये मकान में अपनी बीवी के नाम ट्रांसफर कराना चाहता हूँ। ऑल राइट,
मैं सारे डॉक्यूमेंट्स और कानूनी कार्रवाई कंप्लीट करवाता हूँ। आप 2-4 दिन तक अपनी वाइफ को ले आइए ताकि वो साइन कर सके। और एक बात फिर से कह रहा हूँ, आपने अच्छी तरह सोच लिया ना? जी मैंने सोच लिया। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाएं, मैं साइन करवा कर ले आऊंगा। ठीक है, इंशाल्लाह हो जाएगा। तकरीबन 1 महीना तो लगेगा, ये प्रॉपर्टी के मामला होते हैं, रूल रेगुलेशन। अस्सलाम वालेकुम। तुम हमारा पीछा नहीं छोड़ोगे? अपनी आखिरी सांस तक नहीं। मुझे समझ नहीं आती कुल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुमने उसका पीछा ही ले लिया है। क्या करूं आंटी, आपके बेटे से मुझे इतनी मोहब्बत जो है। अरे भाई कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। याद आ गई बहन की? क्या करूं, कुछ मसरूफियत ऐसी थी। इतने मसरूफ रहे कि बहन को ही भूल गए। ऐसा नहीं है, बहन को भी कोई भूल सकता है क्या? और वैसे भी देखो ना, अभी भी टाइम निकाल के तुमसे मिलने आ गया हूँ ना। चले शुक्रिया आने का। ये बताओ गुल कैसा है? गुल तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा मम्मी प्लीज आप जमीला से कहिए कि मेरे भाई आए, अच्छा सा लंच तैयार करते। ये मोहतरमा तुम्हारे साथ सीधी है या टेढ़ी? आप फिक्र मत करें, मुझे टेढ़े लोगों को सीधा करना बहुत अच्छे से आता है। That's good. अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपने मुझे कभी अपने घर इनवाइट नहीं किया? क्या करूं बुला के, अकेला होता हूं। आपकी वाइफ? ओहो, तो इसका मतलब आपने आज तक शादी ही नहीं की। एक्चुअली कभी संजीवी से सोचा ही नहीं। अगर मुझे पता होता ना तो मैं आपके लिए अच्छी सी लड़की ढूंढती, पर चलें अभी भी कोई टाइम नहीं गुजरा, अब अच्छी सी लड़की ढूंढ लेते हैं आपके लिए। आए बैठते। डॉक्टर परीसा आपको वार्ड नंबर 15 के पेशेंट को देखना है। डॉक्टर यासिका है? जी ठीक है, मैं आ रही। अगर मुझे पता होता ना तो मैं आपके लिए अच्छी सी लड़की ढूंढती, पर चलें अभी भी कोई टाइम नहीं गुजरा, अब अच्छी सी लड़की ढूंढ लेते हैं आपके लिए। हेलो परीसा, कैसे हो रबी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मगर मीर तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। ठीक है, मैं फ्री होकर चक्कर लगा लूंगी, मीर को बता दूंगी। ओके फाइन, थैंक यू। हेलो जी, बात कर रही हूँ। जी जी बिल्कुल, मैंने अप्लाई किया था। रियली थैंक यू सो मच, थैंक यू। किसका फोन था बेटा? अम्मी मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, मुझे वहां से कॉल आई है। क्या मतलब? अम्मी मुझे जॉब के लिए कॉल आई है, मुझे जॉब मिल गई। नहीं बेटा तुम जॉब नहीं करोगी। क्यों अम्मी? बस कह दिया ना तुम जॉब नहीं करोगी। लेकिन क्यों अम्मी, मैं जॉब क्यों नहीं कर सकती? इसलिए कि मैंने तुम्हारे लिए 2 रिश्ते देखे, तुम उन्हें देख लो, मिल लो जो तुम्हें। अम्मी ना तो मुझे किसी से मिलना है और ना ही किसी को देखना है, तो शादी नहीं करनी। बेटा
कि मुझे सजा दे रही है। अम्मी मैं किसी को सजा नहीं दे रही, मैं शादी नहीं करना चाहती। मैंने तुम्हें समझाया था ना बेटा? आपने मुझे समझाया था लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। इतना अच्छा मूड था अम्मी मेरा जॉब का सुनकर। मैं शादी नहीं करूंगी, सिर्फ जॉब करूंगी। हाँ रवि, अच्छा मगर कब? ठीक है, जाहिर है वो मालिक हैं और उनकी जगह उनसे क्या कहा जा सकता है। ओके आली, क्या हुआ? पीछन वो सभी का फोन था, कह रहा था कि ये घर खाली करना होगा। एक्चुअली जो जिनका ये घर है वो बाहर से वापस आ रहा है। खैर आप फिक्र ना करें, कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। हानिया, हानिया, जी गुल, तुम ऊपर हो, मैं तुम्हें नीचे ढूंढ रहा हूं। ये देखो, आज मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा जबरदस्त गिफ्ट लेकर आया हूं। वो क्या? क्या है? क्या है? खुद देख के बताओ। गुल, आपने मेरे एक बार कहने पे मेरी इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी। मैं नहीं जानती थी कि आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि घर मेरे नाम कर दिया। हानिया मेरा बस चले ना तो तुम्हारी सारी खुशियां पूरी करूं। तुमने की तमाम खुशियां तुम्हारे कदमों के ढेर कर। बस बस बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। मैं भी आपका और मेरा सब कुछ आपका। एक घर क्या है, अगर 100 घर भी होते ना तो आपके नाम कर देता। बीजान, बीजान कौन है बाहर? मैं देखती हूँ जाके। आली, वो उस खातून के बारे में मैंने तुम्हें बताया था ना, वो जो हमारी नेबर्स हैं। हाँ हाँ बताया था आपने। वो आई हैं अपने भांजे के साथ, मैंने उनको बिठाया, तुम आ जाओ। ठीक है, आप चले, मैं चेंज करके आता हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि मैं इतनी खुशनसीब हूँ। मुझे नहीं पता था कि अल्लाह ने मुझे इतना अच्छा हस्बैंड दिया। अब चले, चल के खुशखबरी सबको सुना दें कि ये घर मेरे नाम हो गया है। अभी नहीं। तो फिर कब? परसों, हमारी बर्थडे है ना। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। पर मुझे याद था, परसों आपकी बर्थडे में ये खुशी की खबर सबको सुना। अभी कुछ पेपर वर्क बाकी। ठीक है, चलें आए बैठे। आपकी फाइल्स में कुछ करेक्शन की है मैंने,
आपने जो परीसा के बारे में तफसील बताई थी, हम दोनों ने बहुत सोचा है और सोच समझकर ये फैसला किया है कि परीसा ही हमारे खानदान की बहू बनेगी। हमारा मुआशरा किसी लड़की की तलाक को क्यों इतना बड़ा जुर्म और गुनाह मान लेते हैं? परीसा एक नेक, पढ़ी लिखी, समझदार लड़की है। हमें इसके माजी से कोई मतलब नहीं है। बस अब जल्दी से ही परीसा की रुख्सती दे दें हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देर तो नहीं हुई मुझे? बिल्कुल नहीं। और मीर कहाँ है, वो नाराज तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, वो पड़ोस में गया है, बस आता ही होगा। आप आइए अंदर। इतने खूबसूरत फूल आपके लिए। मेरे लिए क्यों? परीसा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा इस तरह अचानक बात करना आपके लिए इतना शॉकिंग होगा, लेकिन कोई और वक्त मिला नहीं तो फैसला किया कि मैं आज ही कह दूँ। मुझे कोई जल्दी नहीं है, टेक योर टाइम, मुझे आंसर कर देना। मैं शादी नहीं कर सकती। मैं सोच नहीं सकता था कि मुझे इतनी जल्दी आंसर मिल जाएगा। वैसे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, ट्रस्ट मी। ट्रस्ट ही तो करती हूँ तुम, तभी आज परीसा तुम्हारे सामने खड़ी है। रवि, तुमसे जो भी लड़की शादी करेगी वो बहुत खुश रहेगी। तो वो लड़की परीसा क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मैं आरिश से प्यार करती हूँ। मेरी हर खुशी, हर एहसास उसके लिए। आरिश, ये वही आरिश है ना जो मुश्किल वक्त तुम्हें अकेला छोड़ के चला गया था? अगर वो तुमसे इतना भी प्यार कर रहा होता ना तो आज तुम्हारे साथ खड़ा हुआ होता। लेकिन मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। उस वक्त जो हालात थे उस लिहाज से उसने शायद जो फैसला किया वो ठीक होगा। हालात, हालात को देखकर प्यार करने वाले कभी किसी के नहीं होते। लेकिन मैं आज भी उससे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं सिर्फ उसी के लिए। लेकिन 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 कुछ नहीं रखे, मुझे इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी, मुझे चलना चाहिए। आरिश तो एक बहाना है। क्या मतलब? तुम्हारे इनकार की वजह कुछ और है। क्या वजह हो सकती है? मीर, तुम्हें क्या हो गया है रवि? उस बच्चे को बीच में क्यों ला रहे हो? हाँ, मेरी तुम्हारे इनकार की वजह है। तुम उसके नाम की मां तो बन के रह सकती हो, लेकिन सचमुच की मां बनने में काफी प्रॉब्लम होगी। एक्सक्यूज मी रब्बी, कान खोल के एक बात सुन, तुमसे ज्यादा तुम्हारा बेटा मीर मुझे अजीज है। अच्छा, और हम लोगों के दरमियान जो भी बात हुई है वो इधर ही दफन हो जानी चाहिए।
मतलब क्या है तुम्हारा? धमका रही हो मुझे? नहीं, मैं तो सिर्फ आपको समझा रही हूँ। तुम मुझे समझाओगी? दो दिन हुए तुम्हें इस घर में आए हुए, मुझे समझाओगी? सास हूँ मैं तुम्हारी, दो दिन में तुम्हें चलता करूंगी यहाँ से। लोग तो अच्छी भली लड़कियों में ऐप निकालते हैं, और उन्होंने तो परीसा के माजी को भुलाकर उसका हाथ मांगा है। मुझे लगता है आली, गुड़िया हमारी उस घर में बहुत खुश रहेगी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं मम्मी? क्यों करती हैं मुझसे इतनी नफरत? ओहो, तेवर तो बदलते देखो मियाँ के सामने। अम्मी बस, आप मुझे ये बताएं कि आपने हानिया को घर से क्यों निकाला था?